हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश क्लास में नहीं लेके आया हूँ, बल्कि मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी जानकारी लेकर आया हूँ। एक बड़ी इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, और ये इन्फॉर्मेशन क्या है इसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और ये जो जानकारी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने नेवी का जो टेस्ट क्लियर कर दिया था। MR स्टूडेंट्स, SSR के जो बच्चे थे और AA के जो बच्चे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी जानकारी है। और जानकारी ये है कि आप अपने मेडिकल के लिए और फिजिकल के लिए तैयार हो जाइए। आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एडमिट कार्ड आपने किस प्रकार डाउनलोड करना है। तो रेडी हो जाइए, ये मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, और कैसे पता चलेगा कि आप इसके लिए क्वालिफाइड है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इस तरीके से आपने ये फिल करना है। इसके बाद आपने अपना जो पासवर्ड है वो फिल कर देना है। यहां अपना पासवर्ड आप फिल करेंगे। थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है, एक बार और ये आप देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं आप इसमें। ये एक स्टूडेंट्स की मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ मैं, जो AA में थे। हालांकि ये क्वालिफाई नहीं हुए थे, लेकिन जो बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे वहाँ एक शॉर्ट लाइन आएगी, और मैं आपको स्टूडेंट्स बताना चाहता हूँ जहाँ ये अलॉटमेंट ऑफ एग्जाम सेंटर लिखा है, यदि आप क्वालिफाइड हैं तो ये लाइन आपकी हरी हो जाएगी। और इसके आगे जहाँ रिटर्न एग्जाम स्टेटस लिखा है, यहाँ पर आपका वो जो एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन है वो आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन ये जो मैंने निकाल रखा है, इस स्टूडेंट्स का क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो इसलिए इसमें ये ऑप्शंस नहीं दिखाए गए, इसमें दिखाया गया है नॉट क्वालिफाइड। तो स्टूडेंट्स, ये एक बड़ी जानकारी थी आप बच्चों सभी के लिए। तो स्टूडेंट्स, हो जाइए रेडी अपने फिजिकल के लिए और मेडिकल के लिए, और इन सारी चीज़ों के लिए ऑल द बेस्ट फॉर यू। और स्टूडेंट्स, आगे भी जितनी भी नेवी से रिलेटेड, चाहे आपका रिजल्ट है कुछ भी, वो सारी जानकारियां मैं आपको देता रहूंगा टाइम टू टाइम। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और सबसे पहले मैंने आपके पास पहुंचाई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और भी कोई अपडेट होगी तो सबसे पहले मैं आपको आपके पास पहुँचाऊँगा। तो स्टूडेंट्स, होप फॉर द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू, गुड बाय।